प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 17 की रीडिंग की थी, हंस किसका। आज हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर एक है हमारा, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। अचानक आकाश से एक गिरा, क्या गिरा? फूल गिरा, पक्षी गिरा या पत्ता गिरा? क्या गिरा था आकाश से? एक पक्षी गिरा था। तो आपको पक्षी पे टिक करना है। प्रश्न नंबर दो है हमारा कि एक तीर ने भेदा हुआ था, किसे भेदा हुआ था एक तीर ने? तोते को, कबूतर को या हंस को? तो हम हंस पे टिक करेंगे। इसका सही आंसर है हंस। राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम क्या था? रामदत्त, देवदत्त, रमादत्त। क्या था सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम? देवदत्त। तो हम देवदत्त पे टिक करेंगे। देवदत्त बोला, मैं खेलने आया हूं। क्या खेलने आया था वह? फुटबॉल, शिकार या क्रिकेट? क्या खेलने आया था वो? शिकार खेलने आया था। अब प्रश्न नंबर दो है हमारा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अचानक से एक पक्षी गिरा, कहां से एक पक्षी गिरा? पेड़ से या आकाश से? कहां से गिरा था पक्षी? पेड़ से गिरा था या आकाश से गिरा था? तो अचानक आकाश से एक पक्षी गिरा। राजकुमार ने हंस को किसमें उठाया था? टोकरी में या गोद में? किसमें उठाया था? गोद में। देवदत्त राजकुमार का भाई था, ममेरा मामा का बेटा था, चचेरा या चाचा का बेटा था? कौन था? चचेरा भाई था। मेरा है, मुझे दे दो। क्या मेरा है? तीर है या हंस है? हंस। मेरा है, मुझे दे दो। क्वेश्चन नंबर ग, रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। ये आपको मैच करने हैं। इसे किसने तीर मार दिया? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तीर मार दिया। देवदत्त धनुष बाण लिए हुए था, आपने इसे तीर क्यों मारा? मैं शिकार खेलने आया हूं। हंस मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घर, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगाइए। राजकुमार महल के भीतर टहल रहे थे। महल के भीतर टहल रहे थे या उपवन में, बागीचे में टहल रहे थे? तो यह वाक्य गलत है। राजकुमार ने हंस का घाव धोया, तीर निकाल कर उन्होंने घाव धोया था। यह वाक्य सही है। जीवों को मारने से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, बिल्कुल सही है। राजा ने उचित निर्णय सुनाया था कि जो बचाता है पक्षी उसी का होगा जिसने पक्षी को बचाया है, तो यह वाक्य भी सही है। यह प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वे टहल रहे थे। प्रश्न नंबर दो, पक्षी के समीप जाकर राजकुमार ने क्या पाया? क्या पाया था उन्होंने? कि तीर से भेदा हुआ हंस पाया। उन्हें क्या मिला था? कि एक हंस है जिसे तीर लगा हुआ है। देवदत्त ने क्या कहते हुए हंस मांगा? क्या कहते हुए मांगा था हंस को? मैंने इसे बाण मारा है, यह मेरा है। राजकुमार ने क्या कहते हुए हंस देने से मना कर दिया? क्या मना कर दिया था? क्या कहा था उन्होंने? कि मैंने इसे बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। राजा ने क्या निर्णय लिया? राजा ने क्या कहा था? कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का है। ओके बच्चों, यह प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।